Hi and greetings to everybody. Myself is Fazal Shahbaz Khan. और एक बार फिर आपकी सतत में हाजिर हूँ अपने नए इंग्लिश लेसन के साथ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश सीरीज। अब तो कई सीरीज आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और जिसमें जाहिर है कि अभी भी बहुत से लेक्चर्स आने बाकी हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो सीरीज आपके सामने अगर मैं उनके नाम लेता हूँ, सो द फर्स्ट वन इज ग्रामर सीरीज, जिसे आप फॉलो ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके बाद हमने अपनी ग्रामर इन ग्राम्स के नाम से एक नई सीरीज को यहाँ पर फॉलो किया। बीच में हमने बिजनेस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस सीरीज का भी स्टार्टअप किया, उसके भी कुछ लेक्चर्स अभी फिलहाल आना बाकी हैं। थोड़ा ताखीर का शिकार हो चुका हूँ, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, आज अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज के साथ आप इस पर हाजिर हूँ। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। With all said and done, आइए आज स्पोकन सीरीज में मेरे पास आपके लिए क्या है। आज के इस लेक्चर नंबर वन में मैं चाहूंगा कि आपको एक बेहतरीन स्पोकन स्ट्रक्चर दूं और उसका मैं यहां पर आपके सामने नाम लिखता चलूं। आज की स्ट्रक्चर का नाम है नो वन कैन आउटडू। अब इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करना चाहूंगा। छोटे छोटे पोर्शंस में आपको ये इंशाल्लाह लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत कारामद रहेंगे। हियर वी गो। इस स्ट्रक्चर का आगाज इस लाइन से ही होगा, नो वन कैन आउट डू प्लस verb fourth form, या जिसे हम fourth form of verb भी कहते हैं। तो anyway, हमारा structure no one can out to और फिर fourth form पर जाकर खत्म हो जाएगा, जिसके लिए मैं अगर एक उर्दू का जुमला आपके सामने लिखूं समझने के लिए, तो वो सेंटेंस कुछ ही होगा। मिसाल के तौर पे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम कभी कभी लोगों को इस तरह के जुमले कहते हैं, तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, खाने पकाना तो कोई आयशा से सीखे, गाने गाना तो कोई सज्जाद अली से सीखे। इस तरह के बहुत सारे जुमले हम बना रहे होते हैं। तो जब हम किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरीली तारीफ करते हैं तो इस तरह के जुमले यूज करते हैं। नो वन कैन आउट डू हम यूज करते हैं कोई आपसे सीखे के लिए। यानी अगर किसी एक पोर्शन की बात करूं तो यह है वो पोर्शन, कोई आपसे सीखे, जिसके लिए हम यूज करते हैं नो वन कैन आउट डू। और फिर ये फोर्थ फॉर्म जो आप यहां पर लिखा देख रहे हैं, इस फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं यहां मौजूद वर्ब के लिए। ये वर्ब है जनाब वाला। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आपके सामने जुमला लिखा है, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अगर कि मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूं तो किस तरह, पहले मैं ये स्ट्रक्चर एज इट इज कोट करूंगा और लिखूंगा, नो वन कैन आउट डू प्लस बातें बनाना स्पीकिंग। अच्छा, अब इसमें मैंने स्ट्रक्चर में लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप जाहिर है कि देख रहे हैं तो मैं लिख भी देता हूं, मैं इसमें इजाफा करता हूं प्लस लाइक। अब ये जो लाइक है
ये कोई आपको रेफर कर रहा है, कोई आप लाइक कोई के लिए खास तौर पे, अगर कोई आप ना भी कहें तो हम कोई का रेफरेंस यहां पर यूज कर रहे हैं लाइक के लिए। आप जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की हैसियत रखता है। आप चेक करें, नो वन कैन आउट डू एज इट इज लिख लिया वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, क्योंकि से सीखे कोई आपसे सीखे के लिए यूज हो रहा जा रहा है, ये पूरा कहने के लिए अल्फाज एक सेक्शन है। से सीखे नो वन कैन आउट डू डमी स्ट्रक्चर है, बातें बनाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग, कोई लाइक आप यू तुम यू हम अस। तो ऑब्जेक्टिव केस लेना है, वो मर्द के लिए अगर बात हो रही है तो हिम, वो अगर औरत के लिए बात हो रही है लड़की के लिए बात हो रही है तो शी, एक से ज्यादा के लिए तो देम। सो बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, नो वन कैन आउट डू स्पीकिंग लाइक यू। खाने पकाना तो कोई आयशा से सीखे, नो वन कैन आउट डू कुकिंग फूड लाइक आयशा। अब कुकिंग के बाद यहां पर फूड एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, बातें बनाना स्पीकिंग टॉकिंग, तो ये एक ही जगह समअप हो गया। लेकिन अगर खाना बनाने की बात आ रही है तो फिर बनाना यहां पर वर्ब होगा और फिर वो जो खाना है वो आपके लिए एक नाउन की हैसियत इख्तियार कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट नंबर वन बन जाएगा। डिपेंड करता है कि कभी जुमले में ऑब्जेक्ट नंबर वन भी आ जाता है और कभी ऑब्जेक्ट नंबर टू भी आ जाता है, मगर लाइक के बाद जो ऑब्जेक्ट आना है वो मैंडेटरी है। गाने गाना तो कोई तुमसे सीखे, नो वन कैन आउट डू सिंगिंग लाइक यू। अब इसमें ऑब्जेक्ट नंबर वन नहीं आया, जरूरी नहीं है, तो ये जगह मैंने खाली छोड़ दिया, इसमें कोई मैंडेटरी है चीजें कभी आती हैं कभी नहीं, तो इसका हमें ख्याल रखना होगा। सो आई होप कि आपको ये पहला लेक्चर स्पोकन इंग्लिश का अच्छा लगा होगा। मैं इस तरह के लेक्चर स्पोकन इंग्लिश के आपको अपने हाथों से लिख कर आपके सामने पेश करता रहूंगा, और मेरे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।